आजिठ आरंभ हेबो राफेल राज विधिवद्ध भाव भारतीय वायुसेना रे शामिल हेबो लड़ुआ युद्ध विमान राफेल तबे वायुसेना 17 स्क्वाड्रन गोल्डन आरोज रे शामिल हेबो एही शक्तिशाली फाइटर प्लेन अंबाला एयरबेस रे आज हेबाकु थिबा एही कार्यक्रम रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित फ्रांस प्रतिरक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली मुख्य अतिथि भाव में जोग देउछंती सीडीएस जनरल बिपिन रावत वायुसेना मुख्य एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदुरिया प्रतिरक्षा सचिव अजय कुमार डीआरडीओ मुख्य जी सतीश रेड्डी समेत वायुसेनार वरिष्ठ अधिकारी एक कार्यक्रम में जोग देउछंती प्रथम पर्यायर मिलता पांचटी राफेल जेटर नियम अनुसार सर्वधर्म पूजा करा विधिवद्ध भाव में भारतीय वायुसेनारे सामिल होपर उभय राष्ट्र प्रतिरक्षा मंत्री मध्य आलोचना हो अक्टोबर में भारत को आउ तीन रु चार राफेल जेट मिलपर डिसेंबर में तृतीय पर्यायर फ्रांस रु भारत को आसव राफेल यहपरी भाव में आसंता 2021 सुधा भारत को फ्रांस दासल्ट कंपनी मोट 36 फाइटर जेट जोगाइब यह अत्याधुनिक फाइटर जेट वायुसेनार शक्ति एवं पराक्रम को बहुगुणित कर 36 राफेल जेट आने को 69,000 कोटी चुक्ति on an official visit to India. On 10th September, she will participate in the induction ceremony of Rafale in the Indian Air Force at Ambala. This visit will further strengthen the defence cooperation between France and India. Ajun dekhiba kon kon khomota rahichi fighter jet Rafale re. Dui engine bishishto ehi fighter jet जेकोसी स्थान को टारगेट कर दूर से थी आक्रमण करिबारे राफेल बेस दूरंधर आकाशु भूपृष्ठ को क्षेपणास्त्र निक्षेप करोमीटर दूर लक्ष्य भेद करफेल 100 किलोमीटर रेंज भितर शत्रु विमान को टारगेट कर पायलट हेलमेट्रे सैट और टारगेट व्यवस्था थवर लक्ष्य भेदी पार राफेल गोटे मिनिट्रे 60,000 फुट उच्च को उठिपार 24,500 किलोर अस्त्रशस्त्र नहीं राफेल उड़ी पार राफेल फाइटर जेट्र परमाणु निक्षेप कर क्षमता रही भारत पाइबा 36 राफेल मध्य 18 अंबाला एयरबेस रहा अंबाला थी राफेल पाकिस्तान पर सदा सर्वदा प्रस्तुत रे अन्य 18 हसीमारा एयरबेस रीन प्रस्तुत हुई भारतर दुई सीमार एवं शत्रु राष्ट्र गोटेपटे पाकिस्तान आउ अन्यपटे चीन उभयंकर बारंबार अनुप्रवेश एवं भारत पर चैलेंज सृष्टि करुछी आतंकी को निज देश में सुरक्षा जोगाउथिबा पाकिस्तान हेउ अबा सीमार आधिपत्य विस्तार करने को चाहूबा चीन पाकिस्तान पाखे रही अमेरिका निर्मित लड़ुआ F-16 से हीपरी ड्रागन पाखे 5th जेनेशन जेट चेंगड़ू J-20 हेले एबे सीमारे अनुप्रवेश करिबा पूर्वरु थरुटे निश्चय भाविबे यार परिणाम कौन हेबो कारण एबे भारतीय वायुसेना पक्षरु शक्तिशाली राफेल जेट जहाँ एबे शत्रु पक्षर निद हो जाय दैछि नजर पकाइबा राफेल रो शक्ति एवं यार सामर्थ्य उपरे शत्रुक सतर्कवाणी भारत उपरे आखि पकाइबा आगरु दुई थर भावे चीन पाकिस्तान कहीं से मत देवा लगे भारत हाथ में अमोघ अस्त्र राफेल अत्याधुनिक युद्ध विमान राफेल केवल शत्रुपक्ष मुकाबला करना ग्राउंड राडार सिस्टम को चकमा दी से गुरुत्वपूर्ण सामरिक प्रतिष्ठान को मध्य टार्गेट कर नजर पकातु राफेल युद्ध क्षमता उपरे सहित जानवा अमेरिका निर्मित F-16 एवं चीन निर्मित चेंगडू J-20 तुलन में यार शक्ति के दूर से थी आक्रमण करने क्षेत्र में राफेल बेस धुरंधर एथे रही आकाशु भूपृष्ठ को निक्षेप कर स्काल्प क्षेपणास्त्र जहाँकि 300 किलोमीटर दूर लक्ष्य भेद कर फल बालाकोट भली अपरेसन लगे सीमा अतिक्रम करने को पड़े ना यार द्वितीय गुरुत्वपूर्ण अस्त्र एयर टू एयर मिट्योर क्षेपणास्त्र 100 किलोमीटर रेंज भितर यह शत्रुपक्ष विमान को अनायास रे टार्गेट कर शत्रुपक्षर विमान जदि 60 किलोमीटर रेंज मध्य आसी जाए ताहले तार विनाश सुनिश्चित पायलट को हेलमेट रे साइट एवं टार्गेट व्यवस्था द्वारा राफेल निखुण भाव में लक्ष्य फेरी पार ए सबू क्षमता दृष्टि दुईट F-16 गोटे राफेल सहित समकक्ष अंपक्ष आक्रमण क्षमता दृष्टि J-20 राफेल ठू टे शक्तिशाली तेज आक्रमण बर्तवा और प्रति आक्रमण दृष्टि यह J-20 को मात देवारे समर्थ ब्यूरो रिपोर्ट
ओटीवी। तेज संपर्क अधिक आलोचना करने आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ विनोद मिश्र श्रीत मिश्र आलोचना को स्वागत करुच्ची। श्रीत मिश्र विभिन्न प्रसंगे राफेल विशेषता कौन रही है आलोचना करवा कि प्रथम श्रीत मिश्र आपंठू जानवा चाहिए आज दिन के गुरुत्वपूर्ण जेहेतु आनुष्ठानिक भाव में आज वायुसेन सामिल होती राफेल बहुत गुरुत्वपूर्ण एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेनार जहाँ अस्त्रशस्त्र सेगुड़ा सबुगुड़ा कहूँ अशी दशक नबे दशक अस्त्रशस्त्र बहुत बहुत डेरी हो जाता भारतीय वायुसेना कि नूतन अस्त्र आने राफेल इंडक्शन आज गोटे बहुत महत्वपूर्ण दिन पर्टिकुलरली जो चाइना सहित बर्तमान फ्लेयर अप हूँ गोटे टेनसन फ्लेयर अप हूँ से ही समय राफेल इंडक्शन डेफिनेटली गोटे कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर फॉर इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी एवं इंडियन वायुसेना पाई एटा एक बहुत इंपोर्टेंट दिन आज्ञा। श्रीत मिश्र एटा केते गुरुत्वपूर्ण केते मायना रखुचे जेते बेले गोटे फाइटर जेट इंडक्शन सेरेमनी रे वैदेशिक मंत्री आमर उपस्थित रहिबे ता सहित फ्रांस रो जे आमको तयारी करके देथिले ई जेट को तांकर मध्ये वैदेशिक मंत्री प्रतिरक्षा मंत्री उपस्थित रहिबे तबे एटा केते गुरुत्वपूर्ण आपण भाबुचंती एवं पड़ोसी राष्ट्र को एटा केते बड़ मेसेज छबो सुनंतु फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर रहिबार कारण मात्र गोटिए सेटा होची जेहेतु सेमाने देइचंती ए वेपनटा आमको तेणु सेमाने सेरिमोनियली इटी अछंती गोटे बिजनेस टाई अप को बढ़ावा पाई किंतु एटा जदि डिफेंस टाई अप होइथांता ताले सेटा आहुरी भल होइथांता किंतु फ्रांस सहित आमर डिफेंस टाई अप होमी एटा गोटे बिजनेस टाई अप तेणु जहां भी हूँ उपस्थिति शुद्ध बिजनेस टाइप हो सामरिक दृष्टिकोण किसी ना केवल बिजनेस बढ़ावा कॉन्फिडेंस इंडिया कॉन्फिडेंस हासिल करने फ्रांस रो डिफेंस मिनिस्टर आज अच्छा शत्रुपक्ष चाइना निश्चय चिंतार कारण एवं पाकिस्तान तो चिंतार कारण ही तेणु राफेल इंडक्शन पाकिस्तान एवं चाइना चिंतार कारण डेफिनेटली हो। ओके श्रीत मिश्र एवं आसवा राफेल गुरुत्व एवं आवश्यकता एवं क्षमता पर कारण पर्यायक्रमे प्रति देश निजर डिफेन्स कहतु निजर एयरफोर्स कहतु सबुदिकर अपग्रेडेशन करि थाए किंतु वर्तमान समय रे भारत जो भली भाव में सीमार जो परिस्थिति लागी रही पड़ोसी राष्ट्र मान सहित तो यही समय राफेल भली फाइटर जेट को वायुसेन सामिल करवा निजर शक्ति को निजर क्षमता को आहुरी बढ़ावा केते महत्व एवं किभली देखुछन्ते आपण याको जहां मुझे कहली एटा खूब बहुत महत्वपूर्ण आजिका दिन में जिते आम चाइना सहित गोटे फ्लेयर अप हूँ जो फ्लेयर अप टा वर्तमान सुधा कमिबा मान कमिबार ये देखा जाऊनी जोटा कि मुझे भावुली एटा दस दिन मासे भितर सबसाइड करिजियो बोली जेतु सबसाइड करूनी एवं दुई देश गोटे काइंड ऑफ सामरस्य मुझे एबे भी आशा करे कि युद्ध कौनसी चांस ना बट तथा प्रिपेयरनेस सब बेले गोटे भल कथा इट इज ऑलवेज सेड दैट बेटर सेफ देन सॉरी तो प्रिपेयरनेस प्रस्तुति सब बेले युद्ध क्षेत्र रे हो किंबा विभिन्न क्षेत्र रे आमको दुई पाद आगरे रखे थाए सेही दृष्टिकोण रु वर्तमान समय रे आमर जो वायुसेना रो क्षमता थिला जहां सब शक्ति थिला जहां सब अस्त्रशस्त्र थिला वर्तमान राफेल युद्ध विमान जोड़ी हेबा परे सेही अस्त्रशस्त्र सेही क्षमता निहत भाव रे द्विगुणित हबो बहुगुणित हबो मथ डेफिनेटली बढ़ किंतु मुझे भी कही रखा चाहे भारत को जदि महाशक्ति हबार अच्छी जदि भारत जिते शत्रु मान तुलन में जदि सब समय आगे आगे रही हम तमुक निजर प्रोडक्शन करने ओडिया गोटे कथा अच्छे मागी आणला तीयण सुड़ुकाए मैंने 36 राफेल ठीक अच्छे डेफिनेटली आम कॉन्फिडेंस बूस्ट करुच्ची आम जब निजर प्रोडक्शन जब था निजर प्रोडक्शन जब आम इंडिजनस एयरक्राफ्ट बिल्ड आम करेटा हम अल्टीमेटली आम पावर यही पावर जो आम पाच यहाँ बोरोड पावर जहाँ भी एटा फ्रांस आम पाइ बोरोड पावर डेफिनेटली भल कि अल्टीमेटली आमको चेस्टा करने पड़ो आम निजर प्रोडक्शन केमी करवा के निजे स्वनिर्भर हवा आम वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग सेटा हवा आम रियली कॉन्फिडेंस से दिन आम कॉन्फिडेंस पाइबा जे आम शत्रु ठार सब दीपद आगे रही पार आप देखो गोटे एक्सीडेंट जदि इफ यू लूज 5 राफेल जेट्स
ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଭ ରାଫେଲ ଜେଟ୍ ପୁଣି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜର ଇଣ୍ଡିଜେନସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ରିପ୍ଲେନିଶ ହେଇଯିବ।